हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है आप सब टेंशन में हैं एग्जाम को लेकर। तो चलिए गाइस, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। आज का वीडियो इस चीज़ पे फोकस्ड है कि मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था आपको बताया था कि मैंने हाईकोर्ट बात की थी और वहाँ से मुझे नंबर मिला था एग्जाम सेल का, वहाँ पर बात करनी उन्होंने बोला था, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले, मतलब जो भी बात करनी है वहाँ कर लीजिए क्योंकि वो एग्जाम सेल है। तो वो क्लियर आपको बताएंगे जो उन्हें बताना है, नहीं बताना है जो भी है बता देंगे। तो मैंने कल कॉल किया था, कल उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कई बार किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो आज मैंने फिर से ट्राई किया, दो तीन बार ट्राई करने के बाद उन्होंने रिसीव कर लिया था। उन्होंने जो भी रिस्पॉन्स दिया है मुझे, नेगेटिव नहीं दिया है, जो भी रिस्पॉन्स दिया है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो एज़ यूजल मैं आपको वो जो ऑडियो है विद नंबर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल इसलिए मैंने कोई इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाला है, देखिए। बट उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हाईकोर्ट से आप लोग निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। और जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है ना, ये गलती मत कीजिए। वीडियोस देखना, डेट फिक्स करना, वो वीडियोस हम देखेंगे, डेट फिक्स करना हमारा काम नहीं है, ठीक। या तो उतने आप स्ट्रांग हो जाइए, वहाँ पे जाके डायरेक्ट बात कीजिए अगर पॉसिबल है, ठीक। वो चीज़ होनी नहीं है, बिकॉज आपको पता है एग्जाम में बहुत टाइम नहीं लगना है। अब वही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिस आया है, आपने कई सारे चैनल्स पे कल दिया होगा, देखा होगा, इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रमोशंस वगैरह होने हैं, ठीक है, इनको सुनिश्चित किया जाए 15 दिन के भीतर। और जो भी आपका न्याय क्षेत्र है उसमें जो सुचारू रूप से आपको संचालन करना है, मतलब लिपिक ग्रेड सेकंड से रिलेटेड जो भी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक पदोन्नत कर्मचारियों को वर्तमान पद पर ही पदस्थापित रखे जाने की शर्त पदोन्नति आदेश में अंकित की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या चीज़ लिखी है, जो आपने काम की है सारा ही अपने काम का है। यहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है, पता नहीं फिर भी आप लोग इतना क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ग्रेड द्वितीय मतलब ग्रेड सेकंड जो है, इसके रिक्त पदों की सूचना मई दिनांक 31/12/2022 तक पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले प्रत्याशित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए लिपिक ग्रेड द्वितीय की रिक्तियों का प्रवर्गानुसार मतलब कैटेगरी वाइज उनका डिक्लेरेशन आप लोग करें, ठीक है। और ये आप लोग कब तक हैंडओवर करेंगे, 30 जून तक। आप ही देख लीजिए कि 30 जून का टाइम इन्होंने, सॉरी गाइस, 30 जून तक का टाइम इन्होंने ले लिया, मतलब ये मंथ। अभी आज है, टुडे इज 8th, आज 8 जून है, ठीक है। इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि ये जो अपना ईयर है, इसके एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब 2022 के एंड तक जो भी रिटायरमेंट्स होने हैं, ठीक है, जो भी प्रमोशंस होने हैं, तो LDC के लिए हो रही है ये भर्ती, ठीक है, जो प्रमोट होके UDC पे जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आप दे देंगे, इन सब की डिटेल्स 30/6 तक। आप देख लीजिए वैकेंसी कब आई थी आपकी, आप सभी कहते हैं 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको आए हुए, तो कितनी सीट्स वेकेंट हुई होंगी। आप लोग को तो एडवांटेज मिल गया है पेपर कैंसिल होने से, ठीक है। यहाँ पे भगवान जी काम करते हैं, ठीक। मुझे पता है अभी जो लोग बिल्कुल पास में ही थे सिलेक्शन के, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे बहुत मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। बट ये भी तो सोचिए कि बाकी भाई लोगों का भी तो भला हो रहा है ना, सबको एडवांटेज मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स आपकी क्लियरली बढ़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि 30/6 तक का तो इन्होंने मांगा ये डिटेल, जब तक इनको डिटेल नहीं मिलेगी ये फ्रेश नोटिफिकेशन आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जून जून तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, बेटर है ना 10-15 दिन वेट करके, नंबर ऑफ सीट्स अगर आपकी बढ़ रही हैं तो ये बेटर ऑप्शन है। तो आपको ये पता है कि भाई जून तक तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आना है, बट जैसे इनको डिटेल्स मिलती हैं बहुत टाइम नहीं लगेगा, हाईकोर्ट का काम फास्ट होता है, आप लोग भी देख रहे हैं। वो चीज़ अलग थी, वो सब कि भाई बहुत डिले हो गया, वो सर्कमस्टेंसेस अलग थे। यहाँ पर आपको 30 जून तक तो नोटिफिकेशन नहीं मिलना है, 30 जून के बाद में आपको बहुत जल्दी विद इन अ फर्स्ट वीक आई थिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट मुझे इन्होंने क्या कहा है उसमें आप लोग देख लीजिए, थोड़ी अजीब सी बात थी वो उनकी, कि उन्होंने वो चीज़ मुझे क्यों बताई है, उसका क्या रीज़न है ये नहीं पता लगा मुझे। एक बार आप लोग भी वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि आप सब बोल रहे थे कि एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग की प्रिपरेशन पहले हो चुकी है। जो भी सही डेट मिल जाएगी बीच में और टाइम मिल जाएगा, कोई भी कोलैप्स नहीं हो रही होंगी एग्जाम की डेट्स, वो डेट ये लोग आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जल्दी एग्जाम कराना है। ग्रुप डी के लिए इन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक का टाइम लिया है, आपको पता है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2023 का मार्च 31 वहाँ तक के ही इन्होंने संविदा पे भर्तियाँ ली हैं,
ठीक है, तो उससे पहले इनको ग्रुप डी भी कंप्लीट करवाना है। तो ये देख लीजिए कि आपकी एलडीसी भर्ती जिस जिस पॉइंट ऑफ थी, मतलब जिस टाइम पे वो, जिस प्रोसेस में जहाँ पे वो चली गई थी उसके बाद वो कैंसिल हुई है, तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा जल्दी हाई कोर्ट को है कराने की, क्योंकि उनको नीड तो है, वो पता ही है आपको। अब जल्दी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आपको करना क्या है, आपको करना वही है कि इस बार जो थोड़े कम मार्क्स से रह गए थे, बार बार कमेंट करके पूछना पड़ रहा था कि हमारे इतने मार्क्स आ गए, हमारे क्या चांसेस हैं, तो आप आगे ये कोशिश कीजिए कि आपको ये चांसेस किसी और से ना पूछने पड़े, ठीक है। क्योंकि मैं भी कोई हाई कोर्ट को नहीं चला रही हूँ, मेरा मोटिव से इतना होता है कि आप लोग के कमेंट होते हैं तो मैं आपको पॉजिटिव कर दूँ, इसलिए मैं आपको कभी भी नेगेटिव रिप्लाई नहीं करती उसका कि भाई आपके चांसेस नहीं है, आप मत कोशिश करो। चांसेस तो देखिए हार्डवर्क करेंगे तो कहीं भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इस बार वो कोशिश कीजिए कि भाई जो टाइम मिल रहा है ना, इसको मतलब प्रॉफिट लीजिए। जिनका वीडियो का था, पहले वीडियो से फ्री हो जाइए, तब तक आपका इसका भी सब क्लियर हो जाना है। तो आप फ्रेश माइंड से थोड़े दिन और सही प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बाकी का ज्ञान मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बिकॉज मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी और क्या कहना चाहिए। फिर आप लोग भी क्या परेशान हो जाते हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, तो फिर इस तरह का कोई मुझे कमेंट करता है ना अगर कि भाई ये ज्ञान और समथिंग, तो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना था, मेरे दिमाग से निकल गया कि अगर कोई भी मुझे इस तरह का अब्यूज़ वाला, इस अब्यूजिंग कमेंट कोई भी करना चाहता है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कीजिए और निकल लीजिए, ठीक है। मुझे ऐसे फैमिली मेम्बर की नीड नहीं है, मैंने ऑलवेज आप लोग को एज अ फैमिली ट्रीट किया है, और मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो मुझे सही लगता है। जितना इंपॉर्टेंट मेरा करियर है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का भी करियर है, ये मेरी मेंटेलिटी है, बाकी चॉइसिस योर्स। अगर आपको कुछ भी अब्यूज़ या ऐसा कुछ भी करना है ना, आ गई और ज्ञान नहीं है और फालतू कुछ भी, तो वो चीज़ें प्लीज़ यहाँ कमेंट मत कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, अब आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो। हेलो हाँ जी गुड नून सर, राजस्थान हाई कोर्ट से बात कर रहे हैं। जी बताइए। सर मुझे थोड़ा सा कुछ अपडेट मिल सकता है कि हमारा जो एग्जाम ये कैंसिल हुआ है एडीसी का, कब तक पॉसिबिलिटी है मतलब? वो मैम नए देखिए वो है ना, सूचना साइट पे आएगी, हाईकोर्ट की वेबसाइट पे, जो हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सूचना मिल जाएगी आपको। तो सर मतलब कोई टेंटेटिव टाइम पीरियड का पता लग? नहीं वो फिक्स नहीं है अभी टाइम पीरियड का ना, तो ग्रुप डी का उसके बाद में होगा फिर आईडीसी के। हाँ हाँ तो जो भी है आप सोचा वेट करें थोड़ा, ठीक है। ओके थैंक यू।